हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे एक्साइटिंग रियलिटी शो मिस वीट पाकिस्तान 2017। इट्स अ ब्राइट सनी डे इन फुकेट एंड वी आर ऑल सेट फॉर आवर सिक्स्थ चैलेंज ऑफ दिस सीजन। वेलकम टू द शो टॉपिक। शुरू करते हैं आज की एपिसोड और आज होने वाला है हमारा सिक्स्थ चैलेंज। डू यू हैव एनी आइडिया सिक्स्थ चैलेंज क्या है? No. कुछ तो पता होगा। No. चलिए मैं बताता चलता हूँ आपको कि बचपन से बड़े होने तक हम टेलीविजन पे बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स देखते हैं। मैंने बहुत सारे टीवी एड्स में काम किया है और देखा स्टार्ट हो गया। टीवी कमर्शियल बहुत ही ट्रिकी चीज होती है, बहुत कम वक्त होता है और ज्यादा बात करनी होती है, राइट? तो आपके आज के जो सेलिब्रिटी मेंटोर है वो कौन है? ही इज अ डायरेक्टर, ही इज एन एक्टर। आप सब लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। प्लीज लेडीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द मैग्निफिसेंट अदनान मलिक। अदनान मलिक डायरेक्टर, मॉडल और एक्टर होने के साथ साथ अदनान मलिक एक हार्ट थ्रॉप भी है। अदनान ने अपने फोटोग्राफी के पैशन को शुरू ही में पहचाना और डायरेक्टर बनने का इरादा किया। उन्होंने बहुत से कमर्शियल्स और म्यूजिक वीडियोस भी डायरेक्ट और प्रोड्यूस किए हैं। अदनान एक्टिंग में भी अपना नाम बना चुके हैं। How are you, Asfar? How are you, Adnan? Good to see you. Yeah, nice to be on Miss Sweet Pakistan. Hi, girls. Hello. जबरदस्त। आज आपको पता है आपका टीवीसी चैलेंज, कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे? बहुत कुछ बताना चाहूंगा। बस सही है, जब बहुत कुछ बताना है तो आई थिंक वी शुड बी मूविंग टू आवर मेंटोरिंग सेशन। आपको अदनान मेंटोर करेंगे और थोड़ी देर में जो इतने खिले खिले खुश चेहरे हैं ये कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। आज हमारा सिक्स चैलेंज है जो की टीवीसी चैलेंज है, जिसका एग्जैक्टली हमें अभी कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। तो अभी हम वेट करें कि हम अपना चैलेंज स्टार्ट करें, देखते हैं अब क्या होता है। दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज पैशन, आपका पैशन कितना ज्यादा है, आप कितने एक्साइटेड हैं, आप कितने एग्जुबरेंट हैं, वो साफ नजर आ जाता है आपकी शक्लों पे। सेकेंडली बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि कैमरा कहाँ है, ठीक है? जब आप एक्ट कर रहे होते हो तो इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? तो जैसे आई नो और दैट्स दिस कैमरा, मुझे पता है ये मेरा ये वाला कैमरा है, राइट? अब इस पे अटेंशन नहीं, वी डोंट नीड टू पे अटेंशन टू दिस, लेकिन अंदाजा होना चाहिए, ठीक है? कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एंगल्स क्या हैं, आपने किस वक्त किसको क्या देखना है, हाथ आप लोग कैसे यूज कर रहे हैं। अब ये वाली जो पोजिशन है फॉर एग्जाम्पल, इसका ये मतलब है कि मैं डिफेंसिव हूँ, मैंने किसी की बात शायद नहीं सुनी या मैं गुस्से हूँ, राइट? अगर आपके हाथ ऐसे हैं तो आप वो हैं कि जी मैं आपको प्लीज करना चाह रही हूँ, जी 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 मैं आपकी बात सुनूंगी, आई एम ओपन, यू नो। कमर्शियल्स बेसिकली ये है कि आपने किसी चीज़ को बेचना है। इट्स नॉट सेलिंग, इट्स जस्ट कॉन्फिडेंस। या तो आप कॉन्फिडेंट हों या आप कॉन्फिडेंट बन जाएं और पीछे जो भी है उसको आप छुपा सकते हैं, जो जिस जिस चीज़ को आप छुपाना चाह रहे हैं, और किसी को डिफरेंस नहीं पता होगा। मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप क्रिएटिव कैसे कितना हो सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट लें, उसके बारे में गा लें, जिंगल्स लोग याद रखते हैं, सिंपल हो सकता है, राइट? बट डोंट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इमोशनल कनेक्ट, कि जो आप बेच रहे हैं वो लोगों के दिलों में कैसे बैठेगी वो चीज़, वो उसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक सिंगल मैसेज पे ही फोकस करें और उसको सोचें कि यार बिगिनिंग मिडिल एंड क्या होना चाहिए। ये प्रोडक्ट पकड़ा, इसको देखा, स्माइल किया और इसको किस तरह बेचना है आगे। तो आप सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस यूज करें एंड आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन होगा। और जहाँ तक जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी घर जाना चाहिए। सो बी स्ट्रॉन्ग एंड लेट्स डू दिस। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. अदनान मलिक की मेंटोरिंग के बाद फिर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि हम कर सकते हैं। पहले तो बिल्कुल ब्लैंक थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, नाउ आई फील गुड कि कर सकती हूँ इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज का ये कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज क्या है। मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा आप भी और आप सब भी। इट्स अ टीवीसी चैलेंज। आपको एक टीवी कमर्शियल शूट करना है। ये सारा सिस्टम स्टार्ट कैसे होगा? एक एक करके वहाँ जाएंगी तो वहाँ एक टेबल रखा होगा, टेबल के सामने अलहदा अलहदा प्रोडक्ट्स पड़े होंगे। यू विल हैव ओनली 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड का वक्त आपको दिया जाएगा अपनी पसंद का प्रोडक्ट चूज़ करने के लिए। आपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, फिर आपके पास होंगे 5 मिनट तैयारी करने के कि आप उस प्रोडक्ट का एड किस तरह बनाएंगे, उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, उसके अंदर एक्शंस क्या होंगे। 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। आपके 5 मिनट मुकम्मल होते ही आपके सामने रखा जाएगा 3 लोकेशंस का ऑप्शन। आप अपनी पसंद की लोकेशन सेलेक्ट करेंगी, हम आपको उस लोकेशन पे फिर ले जाएंगे। वहां लोकेशन पे जाने के बाद वो टीवीसी शूट करने के लिए हम आपको 1 मिनट देंगे। फिक्स लोकेशन है, कैमरा आपके सामने होगा, पूरा 1 मिनट होगा। उस 1 मिनट के अंदर आप शूट करेंगी और उस फुटेज में से 30 सेकेंड्स की फाइनल फुटेज जजेस के पास जाएगी जो आप अप्रूव करेंगी।
राइट, यू गाइस आर क्लियर? हाय, बड़ा मुश्किल होने वाला है ये, राइट? सो गर्ल्स यू रेडी? यस। इतना मरा हुआ? यस यस, दैट्स द वे इट इज। सो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपना सिक्स्थ चैलेंज। मुझे लगता है कि मैं हर चैलेंज से पहले कुछ प्रेशर में आ जाती हूँ और नर्वस हो जाती हूँ, और वो शायद मेरे बॉडी लैंग्वेज और मेरे फेस पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। देख रहे हैं मेरे साथ हमारी कंटेस्टेंट इस्मा मौजूद है जो कि ब्लाइंड फोल्ड हुई भी है। किस वजह से, मैं आपको बताता हूँ इस्मा। yep. जैसे ही आपकी आंखों से ये पट्टी उतरेगी जी, आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त होगा अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट को उठाने का, और आपका पूरा चैलेंज उस प्रोडक्ट के गिर्द घूमेगा। okay, ये अनफोल्ड करने में वो 10 सेकंड इंक्लूडेड है या नहीं? अनफोल्ड, जैसे ही आपने ये पट्टी उतारी आपकी आंखें बंद रहेंगी। okay. मैं आपको जैसे ही गो अहेड दूंगा तो आप आंखें खोलेंगी और तब वो 10 सेकंड स्टार्ट होंगे। जी, प्लीज टेक ऑफ दिस ब्लाइंड फोल्ड और आंखें आपकी बंद रहेंगी, ये मुझे दे दीजिए। एंड इस्मा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू जस्ट हैव 10 सेकंड्स इस्मा। 3 सेकंड जा चुके हैं, 5 सेकंड जा चुके हैं, 7, 8, 9, 10, एंड योर टाइम्स अप। क्या पिक किया आपने? इट्स अ वाटर बॉटल। अच्छा, व्हाई अ वाटर बॉटल? मुझे लगा मैं इसके बारे में कुछ बोल सकती हूँ, कुछ चीजें मेरे माइंड में आ गई। चलिए, गुड लक टू यू। आपके पास अब 5 मिनट का वक्त है तैयारी का। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको 3 लोकेशंस का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। yeah. अपनी लोकेशन आप बताइए कौन सी होगी। आपके पास ऑप्शन है पूल का, okay. बीच का और बिल्डिंग के एक्सटीरियर का। आप क्या पिक करना चाहेंगे? Okay, I would like to go with the pool. With the pool? Yeah. जबरदस्त, वाटर बॉटल इस्मा एंड पूल इस्मा, गुड लक टू यू। थैंक यू। थैंक यू। हमारी अगली कंटेस्टेंट नाफिया यहाँ पहुंच चुकी है। नाफिया, अपने ये पट्टी उतारिए। नाफिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंखें खोलिए, 5 सेकंड जा चुके हैं नाफिया। ओके, 6, 7, 8, वाओ, आपने पिक कर लिया। क्या चीज है ये? आपके पास लोकेशन के 3 ऑप्शंस हैं। आपके पास पूल का ऑप्शन है, बीच का ऑप्शन है और एक बिल्डिंग के एक्सटीरियर का ऑप्शन है। आप किस लोकेशन पे अपना टीवीसी शूट करना चाहें? बीच। बीच पे? आर यू श्योर अबाउट इट? गुड लक टू यू। आपके पास 5 मिनट प्रिपरेशन। गुड लक नाफिया। प्लीज अपनी आंखों से ये पट्टी उतारिए, बट आंखें नहीं खोल लीजिए। ऑलराइट, आंखें खोल लीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 सेकंड जा चुके हैं। 4, 3, 2, 1, योर टाइम्स अप। वाओ, यू हैव पिक्ड अ वाटर बॉटल। चलिए, आपके पास लोकेशन के 3 ऑप्शंस हैं। अब कहां पे अपना एड शूट करना चाहेंगे? बीच। आपके पास 5 मिनट प्रेपरेशन के लिए। गुड लक टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद है कंजा, और कंजा अपनी आंखों से पट्टी उतारी लेकिन आंखें मत खोलिएगा। एंड कंजा, आंखें खोलिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सेकंड का वक्त गुजर चुका है। यू जस्ट हैव 5 सेकंड्स। 6, 7, 8, 9, 10 एंड योर टाइम्स अप। कंजा ने पिक किया है रिस्ट बैंड। अब आपके पास 3 लोकेशन के ऑप्शंस हैं। पूल पे? यू आर कॉन्फिडेंट? चलिए, गुड लक टू यू कांसा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद है कोमल। कोमल हमारी कितनी इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट है, आज देखते हैं क्या करने वाली है। प्लीज अपनी आंखों से पट्टी उतारिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड योर टाइम्स अप। अच्छा जी, क्या पिक किया आपने? नेल पॉलिश रिमूवर। जबरदस्त। अच्छा, आपके पास लोकेशन के 3 ऑप्शंस हैं। आई थिंक एक्सटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग। चलिए कोमल, यू जस्ट हैव 5 मिनट्स फॉर प्रिपरेशन। गुड लक टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
हमारे साथ मौजूद हैं सायरा। आंखों से पट्टी उतारी है लेकिन आंखें मत खोलिएगा। आंखें नहीं खोलनी। You just have 10 seconds and your time starts now. आंखें खोलिए। ये दोनों टेबल्स आपके साथ मौजूद हैं। 8, 7, 6, 5 ये आपने उठा लिया। What is it? नोटबुक। It's a notebook. आपके पास लोकेशन के तीन ऑप्शंस हैं। Yes, beach. चलिए बीच पे नोटबुक। What a different combo. Wow. और अब हमारे साथ मौजूद है तैयबा। देखते हैं कि आज तैयबा हमारा जो टीवी कमर्शियल चैलेंज है कितनी अच्छी तरह से करती हैं। ये पट्टी उतारी है लेकिन आंखें मत खोलिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तैयबा जबरदस्त आपने उठाया है सेब। आप कौन सी लोकेशन चूज करेंगी? आपके पास एक ऑप्शन है बीच का, एक ऑप्शन है पूल साइड का और एक ऑप्शन है बिल्डिंग के एक्सटीरियर का। आई थिंक बीच साइड। सी एट द बीच। गुड लक टू यू। ओके थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है निमरा। अब आप पट्टी उतारिए लेकिन आंखें मत खोलिएगा। ठीक है, आंखें खोलने के बाद आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त होगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स। आंखें खोलूं आपके? नाउ आंखें खोल लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 वाओ, आपने उठाई है नोटबुक। ये नोटबुक थोड़ी देर पहले सायरा भी उठा चुकी है। आपके पास लोकेशन के तीन ऑप्शंस हैं। आप ये कहाँ शूट करना चाहेंगी? पूल। पूल साइड पे बनाना चाहेंगी? आर यू श्योर 100%? या। कॉन्फिडेंट है? या बिल्कुल। पक्की बात है ना? या। चलिए आपके पास 5 मिनट है तैयारी के। गुड लक टू यू। थैंक यू वेरी मच। हमारे कंटेस्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स पिक कर ली हैं। देखते हैं कि ये कितना अच्छा टीवीसी आज बना के हमारे जजेस को और आप सबको महसूस करते हैं। खवातीन हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। आप देख रहे हैं मिस वीट पाकिस्तान 2017। कहीं मत जाएगा। विल सी यू इन अ बिट। आज का जो चैलेंज है बिल्कुल भी एक्टिंग और इन चीज़ों से लगाव नहीं है। देखिए अब क्या होता है। लेकिन जितना टाइम इधर मतलब गुजार चुकी हूँ, काफ़ी सारी मेंटोरिंग डिफरेंट लोगों ने मतलब सेलिब्रिटीज़ ने किया है, उससे काफ़ी कुछ सीखा है आज के चैलेंज के अंदर। आपने हमारे कंटेस्टेंट्स की मेंटरिंग की थी जी, क्या फील हुआ कि डू यू फील देयर इज अ लॉट ऑफ मार्जिन फॉर ग्रूमिंग और अब तक क्या है? आई थिंक जब नई टैलेंट आती है तो दे नीड अ लॉट ऑफ ग्रूमिंग एंड मेंटरिंग। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक काफी ग्रूमिंग की अभी भी जरूरत है। मेरे ख्याल में पहले हमारे जो खातून है उनको बुलाते हैं। हमारी जो खातून है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नाफिया। अस्सलाम वालेकुम। एक कमर्शियल बनाने के प्रोसेस की सबसे मुश्किल बात क्या लगी एज अ टैलेंट? सबसे मुश्किल कैमरा के सामने जब मैं बोल रही थी तो मैं सारी लाइंस भूल गई थी अपनी, और ये मुझे सबसे मुश्किल लगा था। चलो हम देखते हैं। अगर आपका ताल्लुक स्पोर्ट्स या एडवेंचर से है तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिस वीट रिस्टबैंड। ये आपको पसीना अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। इसकी खास बात ये है इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, ये इजी टू कैरी है, आप इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं और ये आपकी स्किन को हर्ट नहीं करता। तो फिर देर के साथ की अभी फ़ोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए मिस वीट ट्रीटमेंट, जिसकी कीमत है सिर्फ 2000 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 2000 रुपये। तो आप इसमें मुझे कम्युनिकेशन में भी इश्यू लगा कि आप बेच क्या रही थी, मुझे वो समझ नहीं है शुरू से ही। बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रंट फुट पे आपने बस बोल दिया। हम इसे व्हाट वर यू सेलिंग? रिस्टबैंड था मेरा। और 2000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं था एक रिस्टबैंड के लिए? आप मुझे खुद बताएं, आप ये प्रोडक्ट मतलब आपने टीवी ऑन किया और ये एक इन्फोमर्शियल आपके सामने चल गया, आप देखेंगी?
जब आप खुद नहीं कन्विंस तो फिर हम क्या कन्विंस होंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू नाफिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सायरा. सायरा कैसा है, पैर कैसा है आपका? पैर ठीक है, काफी बेटर है. इधर बैठ जाए. मे बी शी कांट स्टैंड. आज इधर बैठ जाए. अब बात कर रहे हैं आप. हाथ छोड़ दे. शुड वी वॉच? हर इंसान की जिंदगी में कुछ अच्छे लम्हे होते हैं और कुछ बुरे लम्हे होते हैं. क्या आप वो तो नहीं जिन्हें भूलने की आदत है, या फिर मेरी तरह खुली फिजाओं में बैठकर लिखना पसंद करते हैं, या आप परेशान हैं कि पानी की वजह से आपकी लिखी हुई चीजें सब कुछ खराब हो चुकी हैं? बेफिक्र हो जाइए, आज हम आपके लिए लेकर आए पहली बार पाकिस्तान में मिस वीट वाटर प्रूफ नोटबुक. इसकी जो केस है वो वाटर प्रूफ है. जी हाँ, आप अपने लम्हों को, अपनी यादों को इस पे कैद कर सकते हैं, चाहे 10 साल रखें चाहे 20 साल रखें. इसकी खास बात यह है कि इसमें जो केमिकल इस्तेमाल किया गया इसमें आपके अल्फाज और तहरीर बिल्कुल महफूज रहती है. और इसकी एक और खासियत बताती चलूं कि लिमिटेड स्टॉक है, बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर है. तो अपने करीबी किसी स्टोर में जाइए, बुक स्टोर में जाएं और लेकर आए मिस स्वीट वाटर प्रूफ नोटबुक. ब्रिलियंट, दैट वाज अ गुड वन यार. वेरी इंटरेस्टिंग. कॉपी तो अच्छी लिखी. मैं यही कह रहा था, आपकी एक्चुअली जो आपको राइटिंग का शौक है, लिखा बहुत अच्छा है और आपके अल्फाज बड़े अच्छे चुने हैं आपने. थैंक यू. सो दैट्स नाइस. पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, आपका एक हाथ चल रहा है दूसरा क्यों नहीं चल रहा है, मगर आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया. मैंने देख लिया. वेल डन. वेल डन. थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आपका क्या टास्क था? मैम मेरा प्रोजेक्ट वाटर बॉटल थी. वाटर बॉटल. अच्छा चले देखते हैं. इस तपती हुई गर्मी और धूप से मुझे पानी कहाँ मिलेगा? वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. मेरे पास है आपकी परेशानी का हल, ये है मिस वीट वाटर बॉटल. क्या मैं इस वाटर बॉटल से एक घूंट पानी का पी सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं. इस गर्मी में इतना ठंडा पानी कैसे? ये कोई आम वाटर बॉटल नहीं है, ये है मिस वीट पाकिस्तान वाटर बॉटल. इसमें जो फाइबर लगा हुआ है ये बचाता है सूरज की तमाम खतरनाक शुआओं से और आपका पानी रखता है ठंडा. अरे वाह, मैं तो अभी जा रही हूँ ये लेने के लिए. और साथ साथ अभी लेने पर आप शामिल हो सकती हैं मिस स्वीट पाकिस्तान के ऑडिशंस में. एक्सक्यूज मी, आप भी मिस स्वीट पाकिस्तान वाटर बॉटल पी लो जी भर के. दिस इज लाइक अ ऑल इन वन. गुड गुड जॉब. पी लो जी भर के. एंड आई लाइक कि आपने एंड में जिंगल डाला है. दैट वाज थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. हाय. थैंक यू. खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. चले. ये कोई आम सेब नहीं है मिस स्वीट का. ये सेब बहुत ही खास और साफ तरीके से उगाया गया सेब है. अगर आप इसको खरीदते हैं तो मेरी तरह आप इससे बहुत सारे फायदे हासिल कर सकते हैं. अगर आप इसको खाते हैं तो ये सिर्फ आपकी स्किन को नहीं आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी करता है. और जहाँ तक बात हेल्थ एंड फिटनेस की आती है, अगर मैं इतनी फिट और एक्टिव हूँ तो मेरी इब्तिदा इस सेब से होती है. अगर आप मेरी तरह फिट एंड एक्टिव एंड बेबी स्किन चाहते हैं तो आपको मिस स्वीट का ये सेब जरूर खरीदना होगा. कहावत है ना, एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे. एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे. या व्हाट लिटिल एन एप्पल अ डे कीप. आई कैन डे. यस आई फॉरगेट. पहली दफा किया है जो भी कुछ किया है उन्होंने. एक डे भूल गई आप, कोई बात नहीं उसके अंदर. मैम अच्छा लगा, मुझे बुरा नहीं लगा. आखिर में याद रखिएगा स्टे दे कि आंखों को रोकना होता है. थोड़ा सा आपको लहजे पे काम करना होगा और वो ऐसी चीज है जो आप जल्द कर लेंगे. लेकिन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, लहजा, इस पे फोकस करने की बहुत जरूरत है. गुड जॉब. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम कोमल. चलें जी देखते हैं फिर. आउच, ओ नो, इतने ब्राइट ड्रेस के साथ इतना डल नेल कलर. व्हाट टू डू नाउ? मेरे लिए इसका सलूशन है मेरा वीट नेल कलर रिमूवर, अब नई पैकेजिंग के साथ. सो गर्ल्स, नो मोर रोन ऑन ब्रोकनेस, आ गया है वीट नेल कलर रिमूवर. इट्स क्विक, इट्स इजी टू यूज और ये बनाया आपके नेल्स को शाइनर, क्लीनर एंड स्ट्रॉन्गर. सो बाय बाय मैनिक्योर्स. हेलो वीट नेल कलर रिमूवर. Pretty good. Cute. Thank you. That was adorable. Thank you. Short. To the point. समझ आने. सर मुझे लगा कि एंड में halfway through आपका आपकी एंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इम्पैक्ट था, एक्सप्रेशन बड़े कंटेम्प्रेरी थे,
फिर बीच में आप आई डोंट नो आप क्या बातें कर रही थी. आई लॉस्ट द स्टोरी अ लिटिल बिट. देन यू गॉट टू मच इन टू द डिटेल. आई फेल्ट आई थॉट कि वो आप इनफैक्ट इसको और जल्दी खत्म कर सकती थी. आई एम रियली रियली गुड. कीप इट अप. थैंक यू. ऑल राइट. थैंक यू. आप अक्सर इसे स्पोर्ट्स में यूज करते हैं लेकिन आप इसे अपनी कैजुअल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं. जैसा कि अक्सर खवातीन किचन में अपना खाना बनाने में बिजी होती हैं, पसीने आ रहे होते हैं, पसीनों में लतपत हो रही होती है, तो उनको पहनना चाहिए रिस्टबैंड ताकि उनके जरासीम ना लगे उनके बच्चों को. वो अपने रिस्टबैंड से ऐसे अपने पसीने साफ कर सकती हैं और आराम से अपने बच्चों की हेल्थ बचा सकती हैं. तो किसी ने क्या खूब कहा है, एहतियात इलाज से बेहतर है. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसी भी अपने करीबी स्टोर पर जाइए और ये रिस्टबैंड बाय कीजिए. एंड अगर आपको हमारा ये ब्रांड पसंद ना आए, हमारे प्रोडक्ट पसंद आए, तो आपके पैसे वापस. आवाम के लिए एक फिगर, एक आवाज़, वो आप बहुत अच्छे तरीके से एम्बॉडी कर सकती हैं अगर थोड़ा सा और वोकली और प्रोनाउंसिएशन आप अपनी ग्रूम कर लें तो. जो आप बेच रही थी, मुझे जो लग रहा था, जो आपकी लुक है और जो आप बेच रही थी, आप डाउन मार्केट बेच रही थी. लुक एक है और बात कुछ और है, तो आप एक और अप्रोच ट्राई कर सकती थी. The problem for me with the commercial was कि it was very boring for me. थोड़ा सा प्रोडक्ट का मुझे ये उसका अंदाज नहीं पता था कि रिस्टबैंड को यहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है पसीना पोंछने के लिए. वो एक पॉइंट मुझे थोड़ा बहुत बेहतर लगा, बाकी नॉर्मल जाए. What is this? This is just a bunch of papers arranged in a row or something else? It is a best friend of yours. इसको आप एज अ नोटबुक यूज कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं ताकि वो इस पर प्रैक्टिस कर सके, पढ़ाई कर सकें, इम्पॉर्टेंट काम लिख सकते हैं इस पर. या आप इसे एज अ जर्नल यूज़ कर सकते हैं जहाँ आप अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल सकते हैं, थाट्स आप अपने इस पर लिख सकते हैं. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि राइटिंग इट सेल्फ इज अ सेल्फ मेडिटेशन. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई गॉट माय वन, सो यू गेट योर्स. वेलकम अच्छा था, प्रोडक्ट का सेंड ऑफ अच्छा था, बीच का मुझे नहीं समझ आया क्या कहना चाह रही थी, मैसेज क्या था. टू मेनी आइडियाज जंबल्ड टुगेदर मुझे लगा. आपका जो कंफर्ट जोन है, आप किस चीज में कंफर्टेबल लगती हैं, अपने आप को कंफर्टेबल देखती हैं? सिंगिंग. तो आपने अभी किसी चैलेंज में सिंगिंग की है, तो आप इसको क्यों छुपा रही हैं? ऑडिशन में किया था खाली, उसके बाद आपने कहीं यूज क्यों नहीं किया इस चीज को? जज्बा जुनून, गाते हुए चले जाइए. गाते हुए चली जाऊं? नहीं नहीं, गाते हुए खड़ी हो, खड़े हो, फिर हम कहेंगे, फिर हम बताएंगे कब जाना है. है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अब नहीं होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान कभी ना भूलो. तो बिल्कुल पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, इसे नहीं भूलो. जज्बा जुनून, हिम्मत ना हार, हिम्मत नहीं हारनी, ये जुनून को जगा के रखना है, ठीक है ना? और वो जुनून जहीं कहीं बुझता हुआ नजर आ रहा है, इसको बुझने ना देना. जाए, गुड जॉब. गाते हुए जाए, गाते पाकिस्तान कभी ना भूलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम इस्मा, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. देखें? या श्योर, चलें जी. बहुत सारी चीजें जैसे कि पानी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन हम अपनी डेली रूटीन में इसको बहुत मिस करते हैं. तो वीट लाया आपके लिए एक सुपर कूल और ट्रेंडी वाटर बॉटल, जिसको आप कैरी कर सकते हैं स्कूल में, घर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या किसी भी जगह जहां आप चाहें. ये रखें आपके जूसेस, पानी और एनर्जी ड्रिंक को ठंडा और करें आपके लिए एनर्जी बूस्टर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अ लिटिल केयर इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड वीट केयर फॉर यू अ लिटिल एक्स्ट्रा. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो ग्रैब योर्स. But wait, that one is mine. Okay, give me back. That was in mine. What is this? What are you waiting for? Tell me. For your comments, obviously. There was nothing creative about it. सिर्फ एंड में आपने वो फेंक के कैमरे की तरफ, वो जरा लहजे में बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन वो एक्शन अच्छा था. बट जो ओवरऑल था ना, वो ज्यादा इनफोमर्शियल स्टाइल था rather than it being a creative concept.
जो एक आपकी एक स्पॉन्टेनिटी है, एक जो कम्फर्ट लेवल नज़र आता है जब आप किसी के सामने खड़ी हैं, हमारे सामने, वो वहाँ नहीं नज़र आ रहा। वॉन्ना बी ना बने, जस्ट बी योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। तो था हो गया। मुझे आज का बड़ा टफ लगा है। हाँ, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है। इस वक्त चल रहा है डिलिबरेशन राउंड। इस वक्त हमारे जजेस हमारी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देख रहे हैं प्रीव्यू रूम में। ये लीजिए, आज वो कौन सी कंटेस्टेंट है जो वापस पाकिस्तान चली जाएगी, ये आपको पता चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वॉचिंग मिस वीट पाकिस्तान। विल कैच यू इन अ बिट। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मिस वीट पाकिस्तान और थोड़ी देर में हमारे छठे इम्तिहान का फैसला होने वाला है। बहुत मज़ा आएगा आपको देखते हुए। मैं भी सबकी परफॉर्मेंस देख रहा था, ऊपर नीचे बहुत कुछ था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट, आज तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहेंगे। पहला ट्विस्ट मैं आपको बताता चलूं, दैट वी हैव अ टाई। हमारे पास दो विनर्स है। कहा जाता है दैट ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। हम लोग जब ऑफ स्क्रीन देख रहे होते हैं तो यहाँ दो कंटेस्टेंट है जिनकी बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है, दे आर ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, ऐसा भी है। और दोनों टॉप टू में है। हिरा एंड कोमल, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। मेरे मार्किंग में सिर्फ आधे नंबर का फर्क है, ज्यादा नहीं है, मगर आधा नंबर भी किसी को जिता देता है, किसी को हरा देता नहीं है, दूसरी जगह पे ले आता है। हमारे इन दोनों कंटेस्टेंट्स में टाई है। इन दोनों में से विनर कौन होगा, हम चलते हैं पहले हरीम की तरफ और फिर अदनान मलिक हमें बताएंगे कि इन दोनों में से विनर कौन है। हरीम, आप बताइए, आपको दोनों की परफॉर्मेंस में कौन बेहतर लगा? मुझे एक्चुअली कोमल बेहतर लगी। For me, it was very adorable and I loved it. So Thank I am you. more inclined towards Komal. Hira ka concept bahut interesting tha. Again, thode se points ka difference tha mere liye, bahut bahut kam. Concept acha tha, mujhe execution mein phir bhi thodi si ek rawness nazar aayi thi. Komal mein ek polish thi. Refinement, ek polish. और एक self awareness भी थी अपने dress को इसने जैसे use किया। But for me and I think हमने agree किया, I think the winner for this one is Komal. Congratulations. And Komal, don't Thank you. For also you don't have the height and that's a genetic thing. It doesn't matter. Adan, मैं आपसे request करूँगा, please आइए। और ये Veet की तरफ से एक बहुत शानदार तोहफा है हमारी contestant के लिए, please इनको दीजिए। Congratulations, Komal. Keep it up. And Adan, we have a gift hamper for you by Sensation. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure being on this show. All the best, guys, and all the best to all of you. Inshallah, I'm looking forward to working with most of you in the industry. Fantastic. Please. Congratulations, Komal. It's a good day for you. पहली बार आज कोमल चैलेंज जीती हैं, लेकिन अब वो मरहला आ जाता है जो कि सबसे कठिन, सबसे मुश्किल होता है। आज हम अपनी एक कंटेस्टेंट को, एक या जजेस के हिसाब से शायद दो कंटेस्टेंट को आज हम खुदा हाफिज कहेंगे। आज शायद डबल एलिमिनेशन हो जाए। प्लीज इनके चेहरे देखिए, सबके रंग उड़ चुके हैं। दो कंटेस्टेंट्स की कारकर्दगी इतनी बुरी थी कि हमारे जजेस की उनसे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको पता है कि वो दो कंटेस्टेंट्स कौन है जिनको लगता है दैट दे वर द वीकेस्ट टुडे? प्लीज अपना हाथ उठाइए। वाओ, इन दोनों को लगता है कि दोनों वीक है and they were actually weak. Nafia and Imra, please step forward. अच्छी बात यह है कि आप लोग इतना self aware हैं, आप जानते हैं कि आप टैक्स सीधा करने में कहाँ क्या करेंगे? टैक्स सीधा करने की ज़रूरत भी नहीं है, दोनों निकाल के दे दें हमको। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा नाफिया, आपको क्या लगता है, व्हाट वेंट रॉन्ग, आप कहाँ गलत थी? मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी, जो लाइंस मैंने याद की हुई थी वो मैं उस टाइम पे भूल चुकी थी। आप भी और बाकी कंटेस्टेंट भी ये चीज़ अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें कि ये एक चैलेंज है, आज ऐसा हो गया या कल ऐसा हो गया, यही तो पॉइंट्स होते हैं आपको एलिमिनेट करने के। और हमारे जजेस आपकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और आज नाफिया और निमरा दोनों का मिस वीट पाकिस्तान 2017 का सफ़र ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ आप दोनों अपने टैग्स मुझे वापस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको बार बार बताया जा रहा है कॉन्फिडेंस अपना बहाल कीजिए, आप तो एक इधर से ऐसे 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 आती जा रही है। अदान, मैं एक चीज कहना चाहूंगा,
अगर मुझे अलाउ है जी जी प्लीज एक वीटो कार्ड होना चाहिए राइट आई फील वेरी स्ट्रांगली आई थिंक नाफिया की जो बात है वो तो आई एग्री एक परफॉर्मेंस की कमजोर थी बट व्हेन इट कम्स टू निमरा आई स्टिल बिलीव दैट शी हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी एंड केपेबिलिटी जो एंड में उन्होंने गाना गाया हमारे लिए जो आपने उनसे कहा मुझे लगता है कि अगर मेरे नाम पे या इफ आई कैन डू दिस दैट इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू पीपल होम लेट्स कीप निमरा आई नो शी इज़ बीन एट द बॉटम अ फ्यू टाइम्स लेकिन मुझे एक रॉ टैलेंट नजर आ रही है आई थिंक शी इज गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट ऑफ कोर्स वी रिस्पेक्ट यू एज अ सेलिब्रिटी जज आप इधर आए हुए हमारे मेहमान हैं ऑफ कोर्स आपका भी एक कार्ड है यू कैन टेक योर डिसीजन जो ओवर रूल कर सकता है हमको उस लिहाज से तो आप अग्री करते हैं ठीक है लेकिन आप इनसे जरा बट आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग बट हनी विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कुछ कहना चाहूंगा मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका एक ब्रेक का और कोई नहीं हो सकता ख्वातीन और हज़रात लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप देख रहे हैं मिस वीट पाकिस्तान 2017 देखते हैं क्या निमरा वापस हमारे शो में आ सकती हैं या वो भी नाफिया के साथ वापस पाकिस्तान जा रही हैं कहीं मिल जाएगा विल कैच यू शॉर्टली वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात आप देख रहे हैं मिस वीट पाकिस्तान 2017 और बहुत गहमा गहमी इस वक्त चल रही है हमारे जो मेहमान जज हैं मिस्टर अदनान मलिक उनका कहना यह है कि निमरा को एक चांस और दिया जाए लेकिन जो डिसीजन है वो चारों जजेस का एक जैसा होना चाहिए तो ही निमरा वापस इस शो में आ सकती हैं जजेस क्या फैसला है आपका क्या निमरा को एक मौका और देना चाहिए मुझे सिर्फ एक मेरा एक कंसर्न है दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी और सबको नहीं मिलती अगर फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं अदनान की बात हम कहते हैं ठीक है निमरा आज घर नहीं जाएगी हमें क्या गारंटी है डू यू थिंक यू डिजर्व दिस चांस आप बढ़ना चाह रही हैं अगर मैं ये कार्ड प्ले कर रहा हूँ तो आप इनको एक्सप्लेन करें कि आप आगे क्या कर सकती हैं आई नीड टू सी इट बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है लेकिन आपको खुद नहीं नज़र आ रहा तो कोई अगर आपके जहन पे कोई दबाव है या कोई इमोशनल इशू है तो प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ शेयर करें वी आर योर मेंटर्स हम आपको गाइड करेंगे लेकिन कुछ आप छुपा रही हैं हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कुछ है कुछ आपको छुप रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रही बट आई डोंट थिंक यू शुड गो होम लेकिन अगर अगले एपिसोड में आप पहली डिस्क्वालीफाई हुई ना तो मेरी शामत आएगी तो मुझे बताएं कि आप व्हाट आर यू गोना चेंज और आपके जहन पे क्या प्रेशर है मुझे टॉम बॉय बोला जा रहा है मतलब तुम लड़कियों की तरह नहीं चलती ना बात नहीं करती एक्सप्रेशंस नहीं है मेरे फेस पे जिन्होंने भी आप सब में से किसी ने कुछ कहा होगा इसको आई नो फॉर अ फैक्ट मैंने यही कहा था आमना और हरीम इन्होंने कहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हुआ होगा एक मिनट किसने ये बात की है किसने ये बात की है कर लें इस बात को जिसने निमरा को बोला किसने की है ये बात बताएं जिसने की है वो मुझे बताए ये बात की किसने है आपको किसने हक दिया ये बात करने का मैं सर से बात कर रहा हूं किसने दिया ये हक आप लोग आसमान से उतर के आए हैं क्या आप किसी का कॉन्फिडेंस ऐसे शैटर्ड नहीं कर सकते आप भी गलत हो सकती हैं आप भी हो सकती आप जज करने के लिए ये लोग हैं आप लोग नहीं है अगर ये स्ट्रैटेजी है आपकी किसी को नीचा दिखाने का दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल अपने गिरेबान में झांके आप लोग जिसने ये बात की है अपने आप से सॉरी करें और अगर हिम्मत है ना बताएं मुझे अकेले में जाके सॉरी कर दें हमें नहीं मालूम करना किसने की मगर अकेले में जाके इनको आप सॉरी कर दें दैट्स इट मैं निमरा के लिए कुछ बोल सकती हूँ कैन आई टॉम बॉय वाली चीज पे निमरा आप एक खूबसूरत तरीन लड़की हैं आपको पता नहीं है ये बात जहाँ तक टॉम बॉय वाली बात है आई एम अ टॉम बॉय आई एम प्राउड ऑफ दैट ठीक है आप डिफाइन होते हैं इंडिविजुअलिटी से अपने आप क्या आप इंसान क्या हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं आप इंसान कैसे हैं आप इस चीज़ से डिफाइन होते हैं कपड़े लहजा ये बाकी सारी चीजें बाल शाल ये आपको डिफाइन नहीं करते ये आपको ग्रूम करते हैं
Harim bro, I'm proud of you. I love you. Lekin, you know, we are running short of time. So can I finish since I started this? I think, देखिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपके अंदर कुछ देखा और मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज है जो आपको चुभ रही है. एंड थैंक यू फॉर सेइंग इट. बीइंग ऑनेस्ट, सच बोलना बहुत जरूरी बात है. आप सब कुछ सीखना चाहिए इससे. लेकिन आप में कुछ है, ठीक है. आगे ये आपके मेंटर्स हैं, ये सब आपको गाइड करेंगे. आपने आगे जाना है, आपने किसी की बात नहीं सुननी. और इसलिए मैंने आपको वापस चुना, बिकॉज आई लाइक यू. आप टॉम बॉय हैं, जो भी हैं, आई लाइक यू. सो मैं इंडस्ट्री में बैठा हूँ, आई वॉन्ट टू हायर यू. ओके, आई वॉन्ट यू टू ग्रो फ्रॉम हियर. मैं चाह रहा हूँ कि आप वीट जीतें, ये टॉप थ्री में आए. एंड आई एम गोना टेक केयर ऑफ यू. जस्ट नेक्स्ट टाइम कम विद कॉन्फिडेंस. और अगर रूममेट्स तंग करें, आप अपने कमरा बदल दें, आप इनसे बात करें, जो भी इश्यूज हैं, और आप अपने जोन में रहें एंड विन. ओके, एक एक लड़की मिलके इनको सॉरी करें. मुझे नहीं मालूम किसने कहा है सॉरी करें एंड हग. एक एक लड़की. Wow, I feel like crying right now, ladies and gentlemen. हम ऐसे emotional दौराहे पे आके इस वक्त खड़े हो गए हैं कि हमें पता है कि अब I think Nimra is back in the show. Your vote is with Nimra, guys. Announce it, Asper. Nimra, please अपना tag वापस पहनिए. And girls, please clap for Nimra. She's back. Congratulations, Nimra. आप दोबारा से Miss Veet Pakistan का हिस्सा बन गए. Nafia, आज आपका सफर खत्म हो रहा है. क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं मैं इनसे सीखूँगी. मैं गिव अप नहीं करना चाहती हूँ और मैं ओवरकम करूँगी अपनी कमजोरियों को. जो भी मेरी वीकनेस है उसे मैं दूर करूँगी और इंशाल्लाह अगले साल नहीं अगले साल नहीं अच्छा अगले साल नहीं इंशाल्लाह वापस आऊँगी. ऑडियंस पोलिंग जारी है और आप चाहें तो आप नाफिया को दोबारा इस शो का हिस्सा बना सकते हैं. नाफिया जोर लगाइए ताकि आपके सारे जो फैंस आपके लिए वोट कीजिए. बट फॉर नाउ अपने दोस्तों को हक कीजिए. आज आपका सफर खत्म. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मिस वीट पाकिस्तान 2017 देखने का. आप जानते हैं हर गुजरती किस्त के साथ हमारे चैलेंजेस मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं. अगली किस्त में क्या होने वाला है प्लीज उसका जरूर इंतजार कीजिएगा क्योंकि हमें आपका बेचैनी से बहुत इंतजार रहेगा. थैंक यू फॉर वाचिंग मिस वीट पाकिस्तान 2017. मेरा कॉन्फिडेंस इतना चला गया था कि मैं स्माइल तक नहीं कर पा रही थी और अगर मैं फेस पे जबरदस्ती स्माइल लाऊंगी तो मेरी आंखों से नहीं वो हो रहा था, मेरी आईज से ही भारी हो रही थी, मेरा गला बंद हो गया था. पर उनके बिलीव ने मुझ में कॉन्फिडेंस ले आया और अब वो चांस मुझे मिला है. मैं वापस से कॉम्पिटिशन में आ गई हूँ. मेरा ये चैलेंज बहुत बुरा हुआ था और उसकी वजह से आज मैं एलिमिनेट हो गई हूँ. मुझे वोट करने के लिए आप लोग SMS करें वीट स्पेस नाफिया शहर और सेंड कर दीजिए 8797 पे. आप लोगों के जरिए मैं वापस आ सकती हूँ.